हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज फॉर डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर्स। सो गाइज वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड सो मेनी डोमेन्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एड्स से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो गाइज चलिए सीधे शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी स्कोर। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली हर्ट है गूगल एड्स का, राइट? जो कंप्लीट मैकेनिज्म है गूगल एड्स का उसका हर्ट है, उसकी मेन जान है ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी स्कोर। यहाँ पर बेसिक समझने में स्टूडेंट्स बहुत गलती कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। उनको लगता है कि हम पैसा दें और पैसा देने के बाद हमारा ऐड चल जाएगा, और अगर हमें किसी ऐड को ओवरटेक करना है, यानी कि अगर हमारे कॉम्पिटिटर का ऐड हमसे ऊपर दिख रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा ऐड उनसे ऊपर दिख जाए, तो हम ठीक है, अगर वो 5 रुपये की बिडिंग कर रहे हैं तो हम 6 रुपये की बिडिंग कर देंगे और हमारा ऐड हमारे कॉम्पिटिटर से ऊपर दिख जाएगा। ये हमेशा नहीं होगा। कभी कभी ये हो सकता है बट ये हमेशा नहीं होगा। गूगल ये कभी नहीं करेगा कि आप पैसे देकर किसी के भी ऐड को ओवरटेक कर जाओ। आपकी अपने वेब पेज की कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अपने लैंडिंग पेज की कोई क्वालिटी नहीं है, आपके ऐड की कोई क्वालिटी नहीं है, बस आप पैसा दे रहे हो और अपने कॉम्पिटिटर को ओवरटेक कर जाओगे, ये पॉसिबल। तो उस कॉम्पिटिटर को ओवरटेक करने के लिए बिडिंग तो एक फैक्टर है, बिडिंग के साथ एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो होता है हमारा क्वालिटी स्कोर। तो ये आपको समझाना है कि क्वालिटी स्कोर की क्या इंपॉर्टेंस, ये समझाना है आपको इंटरव्यूअर को, तभी आप उसको कन्विंस कर पाएंगे कि यू नो अबाउट क्वालिटी स्कोर। सीधे फॉर्मूला नहीं बता देना है क्वालिटी स्कोर का, सीधे ये नहीं बता देना है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है क्वालिटी स्कोर, गूगल हमको क्वालिटी स्कोर प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गूगल एड्स में रैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने ऐड को रैंक ही नहीं करा पाएंगे तो आपको गूगल एड्स चलाने का क्या फ़ायदा है, अपना ऐड चलाने का क्या फ़ायदा अगर आपका ऐड रैंक ही नहीं हो रहा है। तो उसमें क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस रोल के इम्पॉर्टेंस की वजह से इस क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंस अपने आप बहुत हाई हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, एक बार जनरल आंसर देख लेते हैं, टेक्निकल आंसर देख लेते हैं, उससे ही आपको मीनिंगफुल चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। क्वालिटी स्कोर इज़ अ मैट्रिक विच इज़ कैलकुलेटेड फॉर ईच कीवर्ड बिटवीन 1 to 10। द क्वालिटी स्कोर डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द कीवर्ड कंपेयर्ड विद एड्स एंड लैंडिंग पेज। दिस मैट्रिक इज यूज टू कैलकुलेट द एड रैंक विच इज यूज टू कैलकुलेट द एड पोजिशन। तो जो एड पोजिशन है कि हमारा एड तीसरे नंबर पर दिखेगा या चौथे नंबर पर दिखेगा, ये इस बात से डिपेंड नहीं करता है कि आप बिडिंग कितना लगा रहे हो। हाँ, कुछ हद तक डिपेंड करता है, बट इसके साथ एक और फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, वो है क्वालिटी स्कोर। आपका लैंडिंग पेज कितना अच्छा है, आप ऐड चला रहे हो शूज़ बेचने के लिए, आप जूते बेचना चाहते हो और उसके लिए आप ऐड चला रहे हो, आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके थ्रू आप शूज़ बेचते हो, बट जब हम उस लैंडिंग पेज पे जाते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ कहीं पर शूज़ की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर सॉक्स की बात करने लगे आप, या आपने ऐड चलाया स्पोर्ट्स शूज़ का और जब हम आपके क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं फॉर्मल शूज़ हैं। तो लैंडिंग पेज की क्वालिटी गड़बड़ हो गई। तो ये जो लैंडिंग पेज की क्वालिटी होती है ये गड़बड़ है, क्योंकि यूज़र क्या सर्च कर रहा था, यूज़र चाहता है स्पोर्ट्स शूज़ खरीदना। स्पोर्ट्स शूज़ खरीदता है, आपका ऐड दिख जाता है, सपोज करते हैं अगर आपका ऐड दिख जाता है, बट उस ऐड पर जब वो क्लिक करेगा तो लैंडिंग पेज कौन सा दिखेगा, फॉर्मल शूज़ का। अब यूज़र को क्या चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़। ऐड उसे दिखा स्पोर्ट्स शूज़ का, लैंडिंग पेज फॉर्मल शूज़ का, यूज़र आएगा और उसका एक्सपीरियंस ख़राब होगा और बाहर निकल जाएगा वो, यानी कि आपकी वेबसाइट से एग्जिट कर जाएगा। ये गूगल को पसंद नहीं है। गूगल कहता है कि अगर मेरे थ्रू आपके वेबसाइट पे कोई यूज़र आ रहा है तो उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, और बेस्ट एक्सपीरियंस कब मिलता है उसको, जब आपके लैंडिंग पेज अच्छा होता है। तो वो जो क्वालिटी स्कोर है वो लैंडिंग पेज से रिलेटेड है कि कीवर्ड का जो कीवर्ड की मीनिंग है, जो कीवर्ड डिफाइन करता है, वही सारी चीज़ें अगर लैंडिंग पेज में है तब तो अच्छा क्वालिटी स्कोर आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको अच्छा क्वालिटी स्कोर नहीं मिलेगा। और क्वालिटी स्कोर इसके साथ साथ थोड़ा बहुत SEO के पॉइंट को भी टच करता है कि URL आपका कैसा है, लैंडिंग पेज की क्वालिटी कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, ये सारी चीज़ें भी उसमें काउंट होती हैं। तो ये है बेसिकली क्वालिटी स्कोर का फंडा, और यही डिसाइड करता है आपकी एड रैंक। तो ये कभी मत समझिएगा कि केवल बिडिंग से आपका काम बन जाएगा, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले नंबर पर मैंने रखा।
ये दो तीन चीज़ों को समराइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज एक्चुअल सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। हम बिडिंग लगाते हैं, हमने लगाया पैसा 10 रुपये, राइट। तो सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने 10 रुपये लगाए, बिड कर रहे हैं हम 10 रुपये के ऊपर, बट कोई जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो बिड कर रहा है 6 रुपये के ऊपर, तो हमें उसको बीट करने के लिए कितना पैसा देना है? 6 रुपये 1 पैसा। मतलब हमारा काम 6 रुपये 1 पैसे में हो जाएगा, 10 रुपये में नहीं होगा। तो अगर हमने 10 रुपये जो अपनी बिडिंग लगाई थी, क्या वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक है? नहीं, एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक वो नहीं है, एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक होगी हमारी 6 रुपये 1 पैसा। यहाँ पर देखते हैं टेक्निकल आंसर क्या लिखा हुआ है। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अ क्लिक फॉर एन एडवर्टाइजर इन एन ऑक्शन, द एक्चुअल सीपीसी इज कैलकुलेटेड इन रियल टाइम, यानी रियल टाइम जब उस वक्त क्लिक होता है उस वक्त, एंड वी कैन नॉट नो द एक्चुअल सीपीसी बट वी कैन सी द एवरेज सीपीसी। एक्चुअल सीपीसी हम नहीं देख सकते, क्यों एक्चुअल सीपीसी नहीं देख सकते? किसी बार हमको कॉम्पिटिटर को बीट करने में 6 रुपये 1 पैसे लगे, किसी बार हमें कॉम्पिटिटर को बीट करने में 6 रुपये 10 पैसे लगे, तो हम एक्चुअल सीपीसी वी कैन नॉट कैलकुलेट। हर क्लिक के बाद एक्चुअल सीपीसी, हर क्लिक के बाद एक्चुअल सीपीसी, या आप समझ रहे हैं ना, 6 रुपये 1 पैसे, फिर 6 रुपये 10 पैसे, फिर 6 रुपये 15 पैसे, तो ऐसे कितनी सीपीसीज आप लाओगे? 1000 क्लिक हुए तो 1000 एक्चुअल सीपीसीज की आप बात करोगे? इसलिए एक्चुअल सीपीसी से अच्छा हम एक एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज सीपीसी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी टेक्निकलिटी, मतलब डीप टेक्निकल क्वेश्चंस में आता है कि आप ये समझ पाओ कि एक्चुअल सीपीसी क्या होता है। यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी हुई है, एक्चुअल सीपीसी इज इक्वल टू एड रैंक टू बीट, कितनी एड रैंक आपको चाहिए, डिवाइडेड बाई क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01, वट एवर द करेंसी इज, यहाँ पर डॉलर लिखा है बट इट डिपेंड्स वट एवर द करेंसी इज, अगर आपकी करेंसी रुपी है तो इट विल बी इक्वल टू 1 पैसा, राइट, फाइन। तो 1 पैसा का मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया 6 रुपये 1 पैसा, इट्स नॉट लाइक 6 रुपये 10 पैसा, 6 रुपये का ऐड कॉम्पिटिटर का चल रहा है तो आपको उसके ऐड को ओवरटेक करने के लिए 6 रुपये 1 पैसे में आपका काम बन जाएगा। सो ये होता है हमारा एक्चुअल सीपीसी। होप समझ में आ रहा होगा, समझ पा रहे होंगे, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में पूछिएगा, इजी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको आसान लगे आप पूछिए, हम कोशिश करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई कर सके। यहाँ पर नहीं, आप हमसे कम्युनिटी में, जो हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी है वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, हम जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कई बार रिक्वेस्ट आती है हमारे ऊपर एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, तो गाइज यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि कई बार लोग बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम सीरीज के ऊपर कोई वीडियो ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज़ बना दें, और फ्रीलांसिंग के ऊपर आप एक सीरीज़ बना रहे हो। डेफिनेटली हम समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं हमसे, और हम लोग बीच बीच में पूछते भी रहते हैं कि इस टाइप की सीरीज़ आपको चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी एक सीरीज़ में लग जाते हैं तो फिर वहाँ पर बीच में जो है एक दूसरी सीरीज़ को लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने फेसबुक की सीरीज़ बनाई थी, फिर ट्विटर की सीरीज़ बनाई थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि इंटरव्यू की एक सीरीज़ बना देती, क्योंकि फ्रेशर्स बहुत थे हमारे चैनल पर जो ये बात कह रहे थे कि हमें इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा कि ठीक है, समराइज़ करके एक बार 100 क्वेश्चंस के आसपास या 60-70-80 क्वेश्चंस के पास आसपास हो जाएंगे, कुछ टिप्स ट्रिक्स भी हो जाएंगी उसमें, तो उन लोगों को बेनिफिट होगा। बट आप ये मत समझिए कि जो सीरीज़ आप मांग रहे हैं वो मिलेगी नहीं आपको, हो सकता है, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट डेफिनेटली जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको भी वो सीरीज़ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ क्वालिटी स्कोर ऑन सीपीसी एंड एड पोजीशन, इन्हीं दोनों का समराइजेशन है। आपने क्वालिटी स्कोर बता दिया, सीपीसी बता दिया, जनरल, अगर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा, अगर आप ये दो जनरल क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं, फिर फटाक से अगर आपने इनको डिटेल में नहीं समझाया तो फटाक से तीसरा क्वेश्चन यही आने वाला है आपके सामने, राइट। क्वालिटी स्कोर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीपीसी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड पोजीशन, मैथमेटिकल टर्म है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कई भी बार भी जब हम कैलकुलेटिव नंबर्स में बात करते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर हम ए को बढ़ा रहे हैं तो बी भी बढ़ेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपका अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, आपका कोई घर बन रहा है, और उसको करने के लिए 2 लेबर आपने लगाए हैं, ठीक है, और 1 लेबर और आप बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ लेबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, राइट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की रिलेशन है। दूसरा इसी एग्जांपल को समझते हैं, अगर आपके पास 2 लेबर लगे हुए थे और अगर आपने तीसरा लेबर बढ़ाया तो क्या होगा, जो काम पहले 3 घंटे में हो रहा था वो 2 घंटे में हो जाएगा, भाई लेबर इंक्रीज हुआ तो काम
का जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा, काम तेजी से होगा। तो यहां पर कौन सी रिलेशन है? एक चीज बढ़ाई यानी नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाए तो घटा क्या? टाइम। तो ये जो रिलेशन होती है दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन। ये इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन, एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है कि जो क्वालिटी स्कोर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एड पोजीशन के। जितना अच्छा क्वालिटी स्कोर उतनी अच्छी एड पोजीशन, राइट। सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। और इतने अगर आपने डेफिनेटली ये मैथमेटिकल मैट्रिसेस को यूज किया अपने इंटरव्यू में तो एग्जामिनर को लगता है कि वाकई में आपने रिसर्च करी है। जब आप डीप जाएंगे तभी मैथमेटिकल इक्वेशंस को समझ पाएंगे। और कैलकुलेशंस एक्सप्लेन करने के लिए, एनालिटिक्स एक्सप्लेन करने के लिए, नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, इनसे बेहतर क्या हो सकता है? ये हर वीडियो में लगभग मैं कहीं ना कहीं ये बात आती तो मैं बताता हूँ कि एनालिटिक्स का मतलब फैक्ट्स, नंबर्स, फिगर्स, जस्टिफिकेशन, राइट। सो लेट्स क्विकली मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रीमार्केटिंग ऑडियंस, हाउ टू जनरेट दिस लिस्ट? रीमार्केटिंग के ऊपर बहुत वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी, मैंने ही बहुत वीडियोस बनाए फेसबुक में, गूगल एड्स में, सबके ऊपर रीमार्केटिंग पे मैं बना चुका हूँ वीडियो। रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आया, आपने उसका आईपी पकड़ा और या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली आपने उसकी इन्फॉर्मेशन पकड़ी और उसको वहाँ से जब वो मूव करता है दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर तो वहाँ पर आपने उसको अपना ऐड दिखाना शुरू कर दिया, दैट्स ओनली रीमार्केटिंग, ठीक है। ये रीमार्केटिंग होता है। लेकिन एड्स में हम रीमार्केटिंग कैसे करते हैं? हम एक रीमार्केटिंग का टैग यानी कि एक कोड अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं जो उसके विजिटर्स को ट्रैक करता है, विजिटर्स को ट्रैक करता है, उनको एज एन ऑडियंस पकड़ के रख लेता है, मतलब उनकी डेटा एज एन ऑडियंस अपने पास रख लेता है। उसके बाद जब हम ऐड बनाते हैं और हमें ऑडियंस की ज़रूरत होती है तो हम उसी को उठा के अपनी ऑडियंस बना देते हैं। तो क्या आपको ऑडियंस के बनाने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ी? नहीं। तो ये होता है हमारा रीमार्केटिंग ऑडियंस। और किस तरीके से बनाते हैं इसका अगर आंसर है तो गूगल रीमार्केटिंग टैग लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज गूगल एड्स बिडिंग वर्क? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये मैंने पहले कवर कर रखा है कि वो जो बिडिंग है वो जो हम CPC सेट करते हैं और जो हमारा क्वालिटी स्कोर है उसकी मल्टीप्लीकेशन से बिडिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एडवर्स बिडिंग प्रोसेस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ योर एड। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मैक्सिमम बिड विद द क्वालिटी स्कोर ऑफ द एडवर्टाइजर। जो मैक्सिमम पैसा आप खर्च करना चाहते हो, आपने लगाया कि भाई मैं 5 रुपये पर क्लिक दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं दे सकता हूँ, तो वो मैक्सिमम पैसा। और अगर आपका क्वालिटी स्कोर आया सपोज करते हैं 6, तो कितना स्कोर, ओवरऑल स्कोर कितना बन गया? 30। तो ये 30 के साथ आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रैंक कर जाएंगे। सपोज करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी यहां पर क्या लिया, पांच रुपए जो है हम लोगों ने बिड रखी और 6 रुपए क्वालिटी स्कोर, 30 की यूनिट बनी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल समझो, आपके पास पैसा ज्यादा आ गया, 6 रुपए आपने लगा दिया लेकिन क्वालिटी स्कोर डिक्रीज है आपका, 4 है न्यूमेरिकल वैल्यू में, 4 है, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24 हो गया, ये 24 हो गया। अब 24 और 30 में ज्यादा कौन है? 30। तो रैंक कौन कर जाएगा? 30 वाला कैंडिडेट। बल्कि जो सेकंड पॉइंट था जिसमें पैसा कितना लगा, 6 रुपए, और पहले वाले में पैसा कितना लगा, 5 रुपए, लेकिन दूसरे वाले का क्योंकि क्वालिटी स्कोर कम था, उसका क्वालिटी स्कोर 4 था, इसलिए वो रैंक नहीं कर पाया। तो समझ रहे हैं क्वालिटी स्कोर की इंपॉर्टेंस। तो ये बिडिंग वर्किंग की प्रोसेस है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपसे कह रहा हूँ, मैं 200% श्योर हूँ कि अगर आप गूगल एड्स का इंटरव्यू देने गए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर किसी से नहीं पूछा गया तो कमेंट में मुझे बताओ कि उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, राइट। और अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में वो भी आप मेंशन करें कि आपने अगर कोई इंटरव्यू दिया है तो आपको कौन से नए क्वेश्चंस पूछने को मिले, वहाँ पर जो है पूछे गए आपसे। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं उसका अच्छे से आंसर दे पाऊँ तो मैं उसका अच्छे से आंसर दूंगा, या वरना जो ऑडियंस है, जो दूसरे व्यूअर्स हैं हमारे, वो देखेंगे उस क्वेश्चन को तो उनको भी हेल्प मिलेगी। तो वी कैन क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर वी कैन हेल्प ईच अदर, राइट। सो दैट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। वॉट आर गूगल एड एक्सटेंशंस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने ऐड बना दिया, बट अगर आपको ऐड बनाना आता है, बट ऐड बनाने के बाद अगर आपको उसमें कुछ और ऐसे चेंजेस करने आते हैं जिससे कि आपका ऐड और अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगा तो ये कितनी अच्छी बात होगी। वही फैसिलिटी होती है गूगल एड्स एक्सटेंशन की। बेसिकली जब मैं डीप में गूगल एड्स के ऊपर, और मतलब ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोज़ बनाए हैं गूगल एड्स के ऊपर, बट अगर मैं डीप में पूरी सीरीज़ कभी बनाऊँगा
और कभी क्या जल्दी ही, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द सीरीज राइट नाउ, तो जल्दी ही मौका मिलेगा तो मैं बनाऊंगा, तो उसमें एक टॉपिक गूगल एड्स एक्सटेंशन का आएगा। अदरवाइज अगर आप हमारे चैनल पर सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका एक टॉपिक जरूर मिल जाएगा। गूगल एड्स एक्सटेंशन आर एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइडेड टू एडवर्टाइजर्स फॉर एडवर्टाइजिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर बिजनेस। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो है ऐड में, आप जो ऐड देखते हैं गूगल का ऐड, उसमें नीचे कहीं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको और दिखती है, एड्रेस की दिख गई, ईमेल का दिख गया, फ़ोन नंबर का दिख गया, दोज आर बेसिकली गूगल ऐड एक्सटेंशंस। नेक्स्ट इज मेंशन ऑल टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं, ब्रॉड मॉडिफायर क्या होता है, फ्रेज मैच क्या होते हैं, एग्जैक्ट मैच क्या होते हैं, निगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। राइट, किस तरीके से इनको सेलेक्ट करते हैं ये भी पता होना चाहिए, निगेटिव कीवर्ड्स को कैसे लगाते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड टॉपिक से रिलेटेड, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया और बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप प्लेलिस्ट इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में नहीं बट अगर आप हमारे चैनल पर सर्च करेंगे तो मिलेगा और वो बहुत यूजफुल वीडियो है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एड डिलीवरी इन गूगल एड्स। ये जनरल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दो तरीके के ऐड डिलीवरीज होती हैं, स्टैंडर्ड और एक्सेलरेटेड। हर बार जितने भी पीपीसी मॉडल्स के वीडियो बनते हैं मैं बताता हूँ, सो अभी मैं इसको कवर नहीं करूँगा कि ये क्या है, बट ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन दिस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड कैंपेन्स कैन बी क्रिएटेड ऑन गूगल एड्स। बेसिक क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट और ऐप, इतने तरीके के हम जो है गूगल एड्स क्रिएट कर। देखो गूगल एड्स, टाइप्स ऑफ गूगल एड्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड टाइप्स ऑफ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स इज अ डिफरेंट थिंग। इसको थोड़ा सा आप रिलेट मत करिएगा, एक जैसा बिल्कुल नहीं है। कई बार लोगों को गलती हो जाती है, भाई हम पूछते हैं टाइप ऑफ जो है एड्स विच कैन बी क्रिएटेड ऑन गूगल एड, तो वो बोलने लगते हैं कि भाई वेबसाइट विजिटर्स। तो वेबसाइट विजिटर्स इज बेसिकली, वेबसाइट विजिट्स आर बेसिकली व्हाट वी कॉल देम, वी कैन से इट्स लाइक ऑब्जेक्टिव, योर ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट द टाइप ऑफ द एड। यहाँ पर मैंने लिख रखा है स्लैश करके कैम Type of ads or campaigns. This is not campaign objectives, right? Next is, are you Google Ads certified? ये question भी पूछा जाता है। अब पता चला कि आपने छाप के कॉपी करके सर्टिफिकेशन ले लिया, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज थी, आप गए छाप के जो है कॉपी पेस्ट मार के आपने गूगल एड्स का सर्टिफिकेशन ले लिया। इतने एड जो क्वेश्चंस हैं, 8-10 क्वेश्चन में वो बात पता चल जाएगी कि आपने छाप के लिया या वाकई में मेहनत करके अर्न करके आपने सर्टिफिकेशन लिए। और अगर आप बताओगे आपने सर्टिफिकेशन लिए तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया वो कब एक्सपायर हो रहा है। तो ये थोड़े सा सर्टिफिकेशंस को लेकर भी आपको क्लियर रहना है, कितने टाइप तरह के सर्टिफिकेशंस होते हैं, कौन सा सर्टिफिकेशन कितने टाइम का होता है, किस सर्टिफिकेशन में कितने एग्जाम्स आपको देने होते हैं, कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है, जस्ट टू मेक श्योर दैट कि हाउ रियल यू आर। राइट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप बिगनिंग लेवल पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो सामने वाला समझता है, जो आपका इंटरव्यू और समझता है कि बिगनिंग लेवल का इंटरव्यू है, एक्सपर्ट्स की बात हमको यहाँ पर नहीं करनी है, बट फिर भी जो चीज़ें जज करने वाली होती हैं वो जज करते हैं। तो आप कोशिश करनी है फेयर रहना है, गड़बड़ नहीं करनी है, कुछ इस टाइप से झूठ या जो है घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, ठीक है। आपको पूरी तैयारी के साथ खुद ही जाना है, 3-6 महीने के कोर्स में या जो ट्रेनिंग है उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे, राइट, बट ईमानदारी से करेंगे, फैक्ट्स क्लियर होंगे, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस इंटरव्यू को बीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, अगर नहीं आता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये गूगल एड्स का इंटरव्यू कम्प्लीट होता है। दैट क्वेश्चन इज, नाउ क्रिएट अ सर्च एड। They'll move their laptop or whatever they are having, they'll move it towards yourself and they'll ask you to create a search ad or display ad or app ad, जो भी होगा, हो सकता है उन्होंने पहले आपसे पूछा हो कि आपका एक्सपर्टाइज किस में, आपने सबसे ज़्यादा किस पे काम किया है, क्योंकि ट्रेनिंग में, इंटर्नशिप में हो सकता है कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो वो ऐप बेस्ड कंपनी हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐप के एड्स लगाने पड़ते हो, राइट, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस पे लगा, वो प्रैक्टिकल के लिए आप तैयार रहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इंटरेस्टिंग हैं, इम्पॉर्टेंट हैं फ्रेशर के लिए जो गूगल एड्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए वी आर ऑलवेज वेरी मच वेलकम। जब भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट्स करें, कभी लेट हो जाते हैं हम लोग बट कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट्स को रिप्लाई करें। गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।